इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है। कई लोग अपनी शादी को लेकर बेहद एक्साइटेड होते हैं, इसलिए वो काफ़ी दिन पहले से ही तैयारियां करते हैं। लेकिन गुजरात में एक अजीब शादी होने वाली है। गुजरात में एक अजीब और गरीब शादी का मामला सामने आया है, जहां एक लड़की 11 जून को शादी करने वाली है और कमाल की बात यह है कि वो सज धज कर मंडप जाएगी और पूरी रीति रिवाजों के साथ अपनी शादी करेगी, लेकिन उस शादी में कोई दूल्हा नहीं होगा। जी हाँ, वो लड़की खुद अपने आप से शादी कर रही है। इसे कहते हैं सोलोगैमी। आप इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो देख रहे हैं। दरअसल गुजरात के वडोदरा में रहने वाली 24 साल की काशमा बिंदु नाम की लड़की ने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और सीनियर रिक्रूटमेंट की पोस्ट पर एक निजी कंपनी में काम करती हैं। कृष्णा को दूल्हा के साथ नहीं बल्कि खुद से शादी करनी है और इसका बड़ा फैसला वो ले चुकी हैं। अपने परिवार को इस बारे में बता चुकी हैं। परिवार को इस बात से हैरानी तो हुई, लेकिन उसके बाद वो मान भी गए। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक इस शादी को लेकर करिश्मा कहती हैं कि वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनको दुल्हन बनना था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने खुद से शादी करने का फैसला किया। उन्होंने कहा शायद सेल्फ लव इसी को कहते हैं और ये इसी की एक एग्जाम्पल भी है। आगे बिंदु कहती हैं, शायद सेल्फ लव का एक उदाहरण पेश करने वाली मैं पहली लड़की हूँ। अपनी शादी के लिए करिश्मा ने गौती का मंदिर चुना है। इतना ही नहीं बल्कि शादी में लेने के लिए खुद से 5 कस्में भी लिखी हैं। बिंदु आगे बताती हैं कि शादी के बाद वो हनीमून पर भी जाएंगी। 2 हफ्ते के लिए गोवा जाने का प्लान है करिश्मा का, यानी कि शादी के बाद जैसे रीति रिवाजों के साथ शादी होती है तो हनीमून पे कपल जाते हैं, लेकिन क्योंकि अपने आप से शादी कर रही हैं करिश्मा, इसलिए वो अकेले ही हनीमून पे जाएंगी। तो उस शादी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। हिंदुस्तान की ये पहली सोलोगैमी शादी है। फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ होगी आपके साथ मुलाकात। आप बने रहिए इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें। जय हिंद।